हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम खेलने वाले हैं फिर से एक डेनिजन गेम। एंड तुम्हें याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने एक क्रिमिनल वाला काम करा था, एक करा था जॉब, जिसमें कि हमने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे। एंड अभी भी बहुत सारा काम बाकी है और ये डेमो वर्जन है, बट डेमो वर्जन में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, लाइक अपनी खुद की शॉप ओपन करना। हाँ भाई, खुद का स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। ये देखो, ये रिटेल स्टोर है एंड मैं यहाँ पे ना अपना खुद की शॉप ओपन कर सकता हूँ। तो रुको, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ क्या रेंट वगैरह है अपने स्टोर का। एंड यहाँ पे कुछ रेंट वाले अपार्टमेंट और एक घर भी है भाई, ये देख रहे हो। ठीक है, ये $25,000 का घर है, अभी ले नहीं सकता भाई, हमारे पास खुद $300 है, तो कोई दिक्कत नहीं। और $50 रेंट पे मिल रहा है वाला स्टोर। ठीक है भाई, 3 दिन के लिए रेंट पे लेते हैं। एंड अभी अंदर चल के चेक भी करना है कि स्टोर में है क्या क्या। तो चलो गाइस, फाइनली मैंने एक रिटेल स्टोर ले लिया है, तो अभी ना अंदर चेक करते हैं। भाई अंदर ना सही में काफ़ी कुछ अच्छा है। एंड यहाँ पे ये शायद से एक एडवेंचर गेम्स, एक्शन गेम्स, अच्छा ये ना एक शॉप है जिसकी, ये किस चीज़ की शॉप है, वीडियो गेम की। एंड यहाँ पे हम कोई भी वीडियो गेम सेल कर सकते हैं। और अंदर की तरफ क्या है, ये शॉप वगैरह के लिए क्या, शायद से यहाँ मैं बैठ सकता हूँ, बट ये लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकता मैं, आई थिंक भाई लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पे, और वेट भाई, ये सब काफ़ी रियलिस्टिक है और कर लेनी चाहिए, पेट सफा करना चाहिए और हाथ वगैरह धोना मत भूलना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस, फाइनली हम फ्रेश हो चुके हैं अपने पहली बार इस स्टोर में आके। और एक सेकंड, ये बाहर का गेट, ओ ये बाहर जाता है ये गेट, अच्छा मैं सोच रहा हूँ ये गेट कहाँ का है भाई, बाहर का है क्या। और ठीक है, अभी बाहर जाके करना भी क्या है, अंदर चलो भाई। एंड यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ है नहीं, बट इस शॉप को चलाएंगे कैसे हम, मेरे को इसका ही नहीं पता लग रहा कि शॉप को चलाना कैसे है। वेट, यहाँ से हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते भाई, ये स्टाफ मेंबर साइज से यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में कुछ काम दिया हो, रुकना एक बार फ़ोन चेक कर लेता हूँ अपना, क्या पता फ़ोन वगैरह में वो कुछ ओपन वगैरह करना हो या फिर जो मर्जी हो, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑटो रिन्यू, अच्छा ऑटो रिन्यू हो जाएगा अपने आप ये शॉप, 3 दिन का वो मिलता है इसका, रेंट में मिलता है $50 का, एंड अपने आप रिन्यू हो जाएगा। बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं जिसे कि हम रिन्यू कर सके। तो चलो अभी भाई क्या ही कर सकते हैं, मेरे को पता तो करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है गाइस, फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। और उसका नाम वगैरह चेंज करना है, मैं ना कोई की दबा के चेक कर लेता हूँ। ओ ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री है हमारे पास, 5 लॉक पिन पड़े हैं, कुछ यूज़ करके खा लेते हैं। ठीक है, तो हम चॉकलेट वगैरह भी खा सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, मेरे को पता लग चुका है कि कैसे हम इस शॉप को चला सकते हैं भाई। सिंपल सी बात थी, इसके कीज़ है R, चूँकि मैंने कंट्रोल में भी चेक करें। एंड यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है ठीक है, अपनी शॉप में अपना खुद का नाम भी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लिन गेम शॉप। एंड यहाँ पे ठीक है, अपना नाम आ चुका है, बस यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे अपना नाम क्यों नहीं आया, बट मैंने नाम तो लिख लिया ना। ओ अच्छा, स्टोर में अभी कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इस करके अपना नाम भी नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को ना प्रोडक्ट वगैरह लाने पड़ेंगे इसके लिए। एंड यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट भी चला सकता हूँ, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें पता रहे भाई कि हमारी शॉप में क्या सेल हो रहा है। एंड अगर जिसको लेना हो वो आके ले सकता है, और यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सेल कर सकता हूँ। तो चलो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चलते हैं, प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं भाई कहाँ से मिलेंगे इसके। और हाँ, आज हम वर्ल्ड टूर भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपना ये सिटी को घूमा नहीं है, क्योंकि यार इस सिटी में ना मैप नहीं बनाया हुआ, तो मैप से हमें पता नहीं लगेगा, मतलब मैप है ही नहीं तो क्या ही पता कर सकते हम। तो चलो अभी ना चलते हैं एंड ढूंढते हैं भाई क्या क्या है इस मैप में। तो ठीक है गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा आगे। एंड यहाँ पे एक कौन सा स्टोर है, पता नहीं ये क्या कौन सा स्टोर है, मैं नहीं जानता। बट यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पार्किंग का है, और एक यहाँ पे ना येलो कलर का कुछ आ रहा है, रुकना 2 मिनट यहाँ चेक करूँ क्या, अपनी गाड़ी को लगा के चेक करते हैं एक सेकेंड। और वेयर हाउस, ओ वीडियो गेम एप्लीयंस एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें परचेज कर सकता हूँ, और पर बॉक्स $200 का है, तो इस हिसाब से तुम लगा लो। मैंने एक बॉक्स परचेस करा है, वो भी एक्शन गेम का, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं परचेस कर सकता, क्योंकि तुम कार्ट देख रहे हो भाई कितने का बनेगा, 400, और मेरे पास कितने डॉलर हैं, $11। तो इस हिसाब से तुम लगा लो भाई कि हमने एक बॉक्स परचेस करा है। अभी के लिए चल रहे हैं इस स्टोर, मतलब ये जो पूरा मैप है इसको ना एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या है इस मैप में, और अगर भी कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैप को एक्सप्लोर करना किस चीज़ का। और यहाँ पे एक रास्ता बंद है, ठीक है यहाँ जा नहीं सकता। और एक सेकंड भाई, यहाँ तो एक येलो कलर का इन्होंने साइन दे दिया, जिससे ये पता लगता है कि हम आगे नहीं जा सकते। तो ठीक है गाइस, यहीं तक जा सकते थे, बट एक छोटा सा कट भी है आगे की तरफ, जो कि मैंने चेक करा था,
तो चलो वहां पे चल के देखते हैं क्या है। तो ठीक है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ उस तरफ। एंड यहाँ पे ना एक छोटा सा कट था, यहीं पे देखना था। और एक सेकंड, यहाँ पे ये क्या है? एक घर टाइप है। किसका घर है भाई ये? ये घर मेरे को देखा देखा सा लग रहा है, पता नहीं है। ओ वेट, 5 Yankee Road। अच्छा, ये वो वाला घर है जो कि हम लेना चाहते थे, मतलब जो $25,000 का है, जो कि तुम्हें मैंने दिखाया था फोन में। एंड ये वही घर है और इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। वैसे ये सिटी के पास है, टाउन के पास है, दिक्कत नहीं है कोई, ले सकते हैं हम। तो चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे दो रास्ते हैं, वेट राइट वाले पे मुड़ते हैं एंड देखते हैं भाई राइट वाले रास्ते पे क्या है। बहुत बड़ा मैप है। तो ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और एक यहाँ पे बांध टाइप कुछ बना हुआ और हॉर्सेस वगैरह है भाई इधर। यार ये सही है, यहाँ पे हॉर्स हैं, शायद से हॉर्स की हम राइड वगैरह भी ले सकते हो, बट अभी नहीं, डेमो वर्जन के बाद। हो सकता है ऐसा कुछ हो, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो चलो अभी चलते हैं और आगे चेक करते हैं और क्या क्या है। तो फाइनली गाइस मेरे को रोड मिल चुकी है। मतलब यार ये ना पूरा रास्ता है नहीं ज़्यादा कुछ इसमें। एंड यहाँ पे एक रोड मिली है। और एक सेकंड, यहाँ पे तो घर है, मतलब एक पेट्रोल पंप है। एंड एक साइड ये क्या है? फुल कोट, आई थिंक। इसका नहीं पता मेरे को फुल कोट मीन्स क्या होता है, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा। तो मैं एक बार चेक करके आता हूँ। यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ा सकते हैं, पेंट एंड बॉडी शॉप है, पेंट वगैरह कुछ करा सकते हैं इसमें। शायद से पेंट के बॉक्सेस वगैरह मिल जाए इसमें, कि घर वगैरह पेंट कर सकते हैं, बट घर के लिए वहाँ से मिलता तो है। और ये गेट भी नहीं ओपन हो रहा। यहाँ पे अपनी कार खड़ा सकते हैं, रुको मैं एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे अपनी कार खड़ा के, मतलब जो बॉक्स दे रखा है ना येलो वाला, वहाँ पे हम अपनी कार को खड़ा सकते हैं। देखते क्या ओपन होगा इसमें एंड क्या हमें पेंट वगैरह मिलेगा क्या यहाँ पे, एक बार चेक करके। ओ भाई वेट, ओ अच्छा बॉडी शॉप, अपनी कार वगैरह पेंट हम यहाँ से करा सकते हैं। मतलब अपनी उधर से भी शॉप से भी करा सकते हैं पेंट, पर बाय करते हुए। पर उसके बाद वहाँ पे जो है वो नहीं होगा चेंज कलर इसका, जो ऑटो डीलर है वहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉडी चेंज हो जाएगा। और एक सेकंड, यहाँ पे रास्ता बंद है, ठीक है भाई, इसके आगे नहीं जा सकते। बट ना अभी हम यहाँ पे जा सकते हैं, इधर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें पेट्रोल भी पड़वाना है, कितने डॉलर है? $11 है भाई टोटल। तो चलो अभी ना यहाँ पे इसको खड़ा देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई नहीं, 28 लीटर नहीं, 1 या 2 लीटर डलवा लेते हैं भाई, पैसा कम है तो अभी ज़्यादा नहीं डलवा, $1.5 का है, ठीक है। मैंने दो लीटर डलवा लिया है तेल इसमें, पेट्रोल वगैरह। तो चलो अभी फाइनली हमारा काम बन चुका है। और यहाँ पे एक शॉप भी है, रुको यहाँ पे ना खा पी के निकलते हैं, ठीक है भाई। शॉप वगैरह बढ़िया है यहाँ पे। तो अभी ना यहाँ पे खा पी के यहाँ से निकलना है बस। और ये क्या है भाई? वॉशरूम वगैरह। और ये डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है भाई। ये भी दुकान वाली भी बोल रही होगी कि आते ही भाई दुकान में छेड़खानी करने लग जाएंगे ये लोग। तो ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ पे फूड वगैरह मेरे को मिल जाएगा, जिससे कि हाँ खाना वगैरह खाना होगा तो मैं ऐसे खा सकता हूँ आके। तो चलो एक ना फूड परचेस बढ़िया सा, नहीं ये वाला नहीं, $5 का है ना मेरे पास, कितने 8, ठीक है $5 में एक परचेस कर सकता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने एक और फूड परचेस कर लिया है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। एंड अभी निकलते हैं, ये देखो पेट्रोल पंप की शॉप है। तो यहाँ से बस मेरे को चलना है अब अपने घर पे चलना है। बट यहाँ पे अभी और भी एक्सप्ले हो भाई, कितने सारे बॉक्सेस है, कहीं पे भी खड़ा हो पेट्रोल आराम से तुम फुल करा सकते हो। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं भाई और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है वाला। एंड ये तो अभी डेमो वर्जन है, मैं सोच रहा हूँ जब इसका फुल एसएस हमें मिलेगा तब कितना ज़्यादा इस गेम को खेलने में मज़ा आएगा। और एक सेकेंड, वहाँ सामने की तरफ एक बिल्डिंग दिख रही है मेरे को, बिल्डिंग पता नहीं किस चीज़ की है बट चलो। और वहाँ पे ना टाउन टाइप है कुछ, वेट अरे टाउन टाइप नहीं है, आई थिंक मैं अपने ही टाउन में आ चुका हूँ। ये ऑटोमोबाइल डीलर है, ठीक है भाई, अपने ही टाउन में वापस आ चुका हूँ मैं फाइनली। तो ठीक है गाइस, अभी ना मैं एक बॉक्स लेके आया था, तुम्हें याद होगा कि हमने होलसेल की शॉप से एक बॉक्स लिया था अपनी दुकान में लगाने के लिए। एक्शन गेम की सीडीज थी शायद से, वो उनको चल के अभी मेरे को लगाना है। तो चलो यहाँ पे गैप है ना, ठीक है यहाँ से चल के आराम से उस शॉप को लगा देता हूँ। 2 मिनट रुको, यहाँ से लगाना है मेरे को आराम से, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ना ये आ गया ना, ठीक है लोड कर दो भाई। और अभी चेक करते हैं अपनी शॉप में क्या है, जितना सामान लेके आया था हमारी शॉप में लग चुका है या नहीं। मेरे को चल के एक बारी चेक करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को आराम से निकाल लूँ यहाँ से मैं एक बारी, ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ इसको, चलो भाई मेगा पॉन शॉप भाई, खतरनाक है मेगा पॉन। तो चलो अभी ना यहाँ पे लगाते हैं इसको एंड यहाँ पे उतरो, ठीक है गाइस। फाइनली यहाँ पे फ्लिन गेमर की शॉप आ चुकी है, देखो नाम आ चुका है ना, मतलब मैंने इसमें प्रोडक्ट लगा दिए ना इस करके इसमें नाम वगैरह आ चुका है। तो चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ शॉप के अंदर। और यहाँ पे ये लगी हुई है एक्शन गेम की सीढ़ियाँ। एंड मैं ऐसे ही ना कैटेगरी वाइज और भी लगा सकता हूँ। और यहाँ पे स्टोर ओपन करते भाई ये अंकल जी आए हैं,
ठीक है भाई, ये ना गेम ठीक है, सीटियां देख रहा है, सही जगह देख रहा है भाई तू। यहाँ पे मैं अभी नवी नवी सीटें ले आया हूँ एंड तुम खरीद सकते हो यहाँ पे। और ये खाली, अरे वहाँ खाली सेल्फ क्या देखने में लगे हुए हैं भाई ये। और यहाँ पे हमारी एक स्टाफ मेंबर भी है जिसकी मैं सैलरी वगैरह देता हूँ टाइम टाइम पे, बट मेरे पास अभी खुद के पास $3 है, मैं क्या सैलरी देता हूँ भाई से। तो चलो गाइस, फाइनली अपना टाइम हो चुका है अब एक मिशन पे जाने का। तुम्हें पता है ऑस्टिन के पास काफ़ी अच्छे अच्छे मिशन होते हैं, तो अभी ऑस्टिन से बात करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिशन क्या हमारे लिए लाया है ये। इफ़ यू लुकिंग, ठीक है भाई बताओ जल्दी से कोई अलग सा मिशन, क्राइम वाला मिशन होगा बट हमें करना है। तो ठीक है गाइस, ये बता रहा है हमें एक कार्गो ट्रेलर है उसको ला के देना है इसको टाउन में, ठीक है ठीक है, बट वो हमें मिलेगा मेन रोड के पास। तो चलो गाइस फाइनली अभी निकलते हैं एक मिशन करने के लिए। और तुम सोच रहे हो यार मेरे डॉलर कैसे चेंज हो गए, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं भाई, मैंने बहुत बार ट्राई करा और बीच में लाइट जाने की वजह से भाई ये जो ये पिक्स है ना ये भी खत्म हो चुकी थी। मेरे पास पिक्स पड़ी है कुछ बट दिक्कत नहीं, और मेरे पास ना जब लाइट चली गई वो सारी वीडियो करप्ट हो गई थी। देन मैंने दोबारा से स्टार्ट करा और स्टार्ट करने के बाद तुम्हें पता है मैं कहाँ से स्पॉन हुआ भाई, अपने घर से। मैंने दोबारा शॉप को ओपन करी, बहुत कुछ ओपन करा एंड देन फिर इसको स्किप करके लाया। वैसे वीडियो आधी रिकॉर्ड हो चुकी थी आधी रह चुकी थी। तो चलो गाइस फाइनली मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर लिया है क्या बात थी, कहीं तुम बाद में बोलो भाई तुम्हारे पैसे कैसे चेंज हो गए ये वो। तो चलो ठीक है, अभी के लिए मेरे को चलना है ट्रेलर लेने के लिए। और हाँ, ट्रेलर ढूंढने के लिए मेरे को मेन रोड पर जाना है, यही है वो मेन रोड जहाँ पर मेरे को जाना था। एंड आगे की तरफ एक वेयर हाउस है। और एक सेकेंड, ये घर किस चीज़ का भाई, अब वेट इसको भी एक बार चेक करके चलता हूँ भाई, क्योंकि उसने बोला था मेन रोड पे ये घर है और एक ट्रेलर है इसके अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, यही ऐसा ऐसे वो घर जिसकी मैं जिसको ढूंढ रहा था। चलो एक बार ना चेक करते हैं। और यहाँ पे ओ ये साइन आ रहा है, देखो मेरे को बस यहाँ का लॉक तोड़ना है एंड ट्राई करना है। मैंने काफ़ी सारे लॉक पाए करे हैं, बस यहाँ पे ओपन हो जाए। ठीक है ठीक है, पहला ट्राई तो भाई ड्रॉ होता है, मतलब ड्रॉ बोल रहा हूँ सॉरी, पहला ट्रायल तो ट्रायल होता है ठीक है। एंड दूसरा भी करके देखते हैं, लास्ट बचा है फाइन भाई, थोड़ा सा रह गया। ठीक है मैंने, अच्छा हुआ भाई काफ़ी सारे पिंस लिए थे जिससे कि मैं ओपन कर सकूं। और ये वाला थोड़ा फास्ट हो रहा था बट नहीं हो पाया। रुको रुको, ये चांस अगला भाई, जितनी पिंस होगी मेरे पास उतने चांसेस है मेरे को इस लॉक को ओपन करने को। और एक रहता है, प्लीज़ प्लीज़ हो जा यार, ये क्या सीन है भाई, अभी भी नहीं कर पाया मैं। रुको एक और, मैं लास्ट पे आके रुक जाता हूँ बट यहाँ पे भाई मेरे पास काफ़ी जो पिंस है वो वेस्ट हो रही है। बट एक बारी ये तीन रहते हैं, एक बारी और ट्राई भाई, दो रहते हैं, प्लीज़ 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 एक रहता है बस, हो जा यार, थोड़ा सा तो रह गया था भाई, ऊपर कर देते ना। तो ठीक है गाइस फाइनली भाई, इतनी करने के बाद पिंस ख़त्म हो चुकी थी और मैं दोबारा से पिन लेके आया, बट ये एक ही पिन लेके आया हूँ मैं, एक ही पिन में देखते हैं भाई, अगर ओपन हुआ तो ठीक है, वरना तो नहीं तो हम बर्बाद है। एक रह चुका, प्लीज़ प्लीज़ फाइनली लग गया लॉक भाई, मेरे को लगा नहीं था कि लॉक लग जाएगा और मुझे लगा कि भाई फिर से मेरे लॉक गया, बट ठीक है। और ये मेरा ना लास्ट चांस था क्योंकि मैंने ट्राई करा। और यहाँ पे भाई बोतलें, और ठीक है यहाँ सेल्फ में लूट वगैरह नहीं पड़ी हुई है, ठीक है मुझे लगा लूट वगैरह होगी बट यहाँ पे कोई लूट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्रेलर के पास एंड डोर को पार करके। और यहाँ पे एक क्या है ये भाई, ये क्या चीज़ है, ओ अच्छा इसको हैक करना पड़ेगा। इससे पता क्या है कि मेरे को ना डोर ओपन करना पड़ेगा, बट इसको मैं सही तरीके से लगा लूँ। तो चलो एक बार ना ट्राई करते हैं, अगर ये सही तरीके से लग गया तो बढ़िया है, वरना तो भाई इसको भी मैंने बहुत बार ट्राई करा है, तुम सोच सकते हो मैंने कितनी वीडियो को स्किप करा होगा इसको बनाने के लिए। तो ठीक है अभी ओ फाइनली एक्सेस मिल चुका है हमें। और यहाँ पे देखो डोर ओपन का आ चुका है ना, चलो फाइनली डोर भी ओपन हो चुका है। और अभी बस मेरे को इस ट्रेलर को ले जाके देना है ऑस्टिन को। तो ठीक है अपनी कार को जल्दी से बैठता हूँ अपने कार के अंदर, और इसके वो पैसे देगा, अभी मेरे पास $1.50 है। इसके बाद देखते हैं मेरे को 200-300 कितने डॉलर देता है। वैसे ट्रेलर चोरी करके दे रहा हूँ तो $1,000 तक तो उसे दे देना चाहिए मुझे, बट ठीक है भाई उसको ना मेरे को जल्दी देना है, डीले नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना वो भाई गुस्सा करेगा एंड पेमेंट वगैरह अपनी थोड़ी सी काट लेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी थोड़ी सी भी पेमेंट वो कट करे। और ट्रेलर तो भाई काफ़ी बढ़िया है, अच्छा हुआ अटैच हो गया हमारी कार के साथ, क्या पता लगता, नहीं तो हमें नवी कार वगैरह बाय करनी पड़ती। तो चलो अभी चलते हैं इसको ट्रेलर को दे के आते हैं और देखते हैं भाई कितना अमाउंट देने वाला है हमें वो। तो ठीक है अभी मैं टाउन के पास आ ही चुका हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ भाई, ये वाली गाड़ी मेरे को ख़रीदनी है सही सही प्राइस में। तो ठीक है पीछे की साइड तुम्हें पता है बॉक्स वगैरह होता है इनका पार्किंग लॉट, वहीं पर जाके इसको खड़ाना है मेरे को। और एक सेकेंड भाई यहाँ पर ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है छोटा सा एक्सीडेंट था, टक्कर थी एक छोटी सी। तो चलो अभी ना मेरे को यहाँ चलना है एंड फ्रंट साइड पे खड़ाना है। यहाँ पता है मेरे साथ क्या हुआ था,
मैंने अपने स्टोर में करा दिया था और ये ना ट्रेलर गायब हो गया जब मैंने पिछली बार इसे करा था एंड लाइट चली गई थी। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ एंड अभी ये 2 मिनट इसका अटैचमेंट हुआ, डिसअटैच हो जाए तो ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। ठीक है भाई, फाइनली डिसअटैच हो चुका है और ये ट्रेलर मैंने ऑस्टिन की पार्किंग में खड़ा दिया है। अभी बस मुझे चल के उसे बताना है भाई हाँ ऐसा ऐसा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब तू अपना ट्रेलर आके ले सकता है। तो ठीक है गाइस, फाइनली लुक वेल, ओ फाइनली मैंने इसका काम कंप्लीट कर दिया और उसने मेरे को $500 दिए भाई। मैं इसमें 2 और गेम्स की बॉक्सेस खरीद सकता हूँ। तो चलो अभी के लिए और गेम के बॉक्सेस लेके आते हैं और अपने स्टोर में आके लगाएंगे भाई, अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें और पैसे कमाने हैं और ऐसे ही हम अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। थोड़ा बहुत क्राइम की दुनिया में जाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि पैसे नहीं है। एंड जॉब्स से ना यार, जॉब तो कर ले हम बट पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, वो $100 देते हैं। और भाई ये क्रिमिनल वाला काम मतलब इलीगल काम है बट करने में मज़ा आता है। गेम है भाई, रियल लाइफ में नहीं ऐसा करना कभी, गेम है, गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड हाँ, इसके बाद हमें अमाउंट भी अच्छी मिलती है, बट ये है कि इस टाउन में पता नहीं पुलिस है या नहीं, अगर पुलिस होती तो भाई और ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि वो हमें पकड़ती है एंड हम उससे छुप छुप के इस ट्रेलर को लेके आते हैं या जो भी क्रिमिनल वाला काम करते वो सब। तो चलो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं वेयर हाउस के पास और यहाँ पे मेरे को अपनी कार को बस सिंपली लगाना है एंड आराम से मेरे को सामान वगैरह मिल जाएगा। तो चलो आराम से ना इधर पे पहले मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, अपनी कार यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे देखो बॉक्सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि ये एक्शन बॉक्सेस हो गया एंड यहाँ पे और भी गेम्स के होंगे, ये एडवेंचर हो गया, रेसिंग, गेमिंग, रोल प्ले, इन सब के बॉक्सेस पहले से लगे हुए हैं। तो मेरे को ना एक बॉक्स चुनना है। ठीक है, एक्शन वाली गेम का है मेरे पास ना, तो मैं एक एडवेंचर का ले लेता हूँ एंड एक कर लेते हैं हम रेसिंग गेम का। ठीक है, एक स्पोर्ट्स गेम एंड एक कर लेते हैं रोल प्ले। ओ वेट यार, मैंने ना अमाउंट कम है मेरे पास, $500 है ना, इतना सब कुछ मैं नहीं खरीद सकता। मेरे को ना 2 गेम के बॉक्सेस निकालने होंगे, रुको एक इसके निकाल देता हूँ, एक यहाँ पे कौन कौन है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाली निकाल देता हूँ, रेसिंग गेम्स है ना हमारे पास, जो जो स्पोर्ट्स गेम है उनका मैंने निकाल दिया। मैंने 2 बॉक्सेस परचेस करे हैं, बस अब मेरे को चल के चलना है अपनी शॉप पर, इन बॉक्सेस को लगाना है और फिर भाई कस्टमर सामान वगैरह खरीदेंगे और मेरा कम से कम अगर मैंने 200 का बॉक्स लिया है तो 300 का प्रॉफिट है, तो पर बॉक्स मेरे को 800 का प्रॉफिट होगा एंड 800 का प्रॉफिट प्लस भाई 1100 मिलेंगे इस बार मेरे को। तो चलो गाइस, सारा पैसा ऐसे ही प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है और हाँ धीरे धीरे करके हम घर परचेज करेंगे और उसके बाद अपना खुद का एक एक कार परचेज करेंगे। ठीक है, कार वगैरह भी परचेज करेंगे धीरे धीरे करके, बट टाइम लगेगा बट हम परचेज कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो ठीक है गाइस, फाइनली आ चुका अपने टाउन में एंड अभी चल के मेरे को बॉक्स लोड कराने हैं अपने शॉप में। तो चलो यहाँ से मैं आराम से निकलता हूँ एंड आराम से मेरे को चल के लगाना ना। ठीक है, यहाँ से मुड़ो, वो रहा भाई येलो बॉक्स, यहाँ पे लगाना है मेरे को आराम से। तो यहाँ पे आराम से खड़ा देता हूँ एंड ये आ गया ना लोड आउट का। ठीक है, फाइनली हमने सारा का सारा सामान भर दिया है अपने स्टोर में। बस मेरा स्टोर शायद से ओपन होगा, मेरे को चल के देखना, और यहाँ पे रास्ता क्लोज है। ठीक है, तो मेरे को ना आगे से जाना पड़ेगा, आगे रास्ता ओपन है क्या? ऑस्टिन ने पता नहीं क्यों रास्ता बंद करा है, मेरे को समझ नहीं आया, बट ठीक है चलो उसकी मर्जी है भाई, उसकी शॉप है वहाँ पे। तो ठीक है, और यहाँ पे अरे यार पिज्जा शॉप के पास हो जाएगी ना, मेरे को अपनी शॉप के पास लगानी है पार्किंग में। तो ठीक है, अपने ट्रक को ना अपनी पार्किंग में लगाएंगे, वही बढ़िया है। एंड पता नहीं है किस चीज़ का अलार्म बजाए, नहीं मेरी गाड़ी है, मुझे लगा अलार्म है। तो चलो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने शॉप के पास और यहाँ पे ये रही मेरी शॉप। चलो अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे देखो एक्शन गेम की सीढ़ियाँ आ चुकी है, एडवेंचर गेम्स है एंड यहाँ पे है रेसिंग वाली गेम्स। तो हमने सब कुछ बना लिया है। तो चलो गाइस, इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वाला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ वाला एपिसोड कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।